किसान भाइयों, प्यार भरा नमस्कार। खेत से बाजार तक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और फूड प्रोसेसिंग यानी अन्न प्रसंस्करण द्वारा अनेक लाभ आपको बताए जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है फलों का राजा आम। यूं तो आम 12 महीनों वाली फसल नहीं है, फिर भी फूड प्रोसेसिंग करके आम का मजा साल भर लिया जा सकता है। आम बड़ा गुणकारी फल है। इसमें विटामिन ए, बी, डी और अधिक मात्रा में सी होता है। इसमें साइट्रिक एसिड और थोड़ी मात्रा में गैलिक एसिड होता है। कैरी को भूनकर इसका पना यानी शरबत पिलाने पर लू का प्रकोप शांत हो जाता है। जिस आम में गूदा अधिक हो, रेशा कम हो और जो स्वाद में मीठा हो, वो उत्तम प्रकार का आम माना गया है। आम का उत्पादन लगभग पूरे देश में होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। केवल उत्तर प्रदेश में ही आम का उत्पादन 23.34% होता है। कुल मिलाकर भारत का उत्पादन 1,12,71,000 मेट्रिक टन है। आम तुड़ाई के बाद आपके पास अधिक समय नहीं बचता, इसलिए तुरंत ही आम का मार्केटिंग करना पड़ता है। ऐसे में अगर उत्पादन अधिक हो गया हो तो मार्केटिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं अथवा प्रोसेसिंग यूनिट में भेज सकते हैं। इससे आपको वहां अच्छे दाम मिल सकता है। आज के किसानों के लिए सचमुच प्रोसेसिंग एक वरदान है। आम का जो सीजन है वो ज्यादातर गर्मियों में होता है। आम की कटाई भी गर्मियों में की जाती है। जब गर्मी के सीजन में जो बाहर का उष्णतामान है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तब कटाई के दौरान आम का जो तापमान है वो भी 35 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहता है। अब जब इस तापमान पे हम आम को स्टोर करते हैं तो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाते। ये जो हीट है उसको हम फील्ड हीट कहते हैं। ये फील्ड हीट को दूर करने के लिए फसल की जो फार्म की हीट को दूर करने के लिए हमें प्री कूलिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के दौरान हम उसका तापमान और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं और उसको हम 25 से 30 दिन तक कच्चा रख सकते हैं, जिसका उपयोग हम आगे प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं या फिर रस निकाल के खाने में भी कर सकते हैं। किसानों को निश्चित समय के भीतर आम पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ता है, वरना आम खराब होने का डर बना रहता है। एक बार आपके आम कैनिंग या बॉटलिंग के लिए चले गए तो चिंता खत्म। तो आइए जानते हैं प्रोसेसिंग के बारे में। कोल्ड स्टोरेज में आम को हम 25 दिन तक आराम से रख सकते हैं और 25 दिन के बाद उसकी हम इथिलीन से रैपनिंग करते हैं। इथिलीन गैस हमारे इथिलीन चैम्बर में होती है, मेन गैस के सिलेंडर होते हैं, तो उसमें हम रैपनिंग करते हैं। एक दिन के लिए हम इथिलीन छोड़ते हैं और 3 दिन में आम पक जाता है और पकने के बाद हम उसको सीधा प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाते हैं। कैरी को पकाने के लिए हम इथिलीन गैस इस्तेमाल करते हैं और इथिलीन गैस कोई हार्मफुल नहीं है और वो भी अप्रूव किया हुआ है कि इथिलीन गैस से फ्रूट को रैप किया जा सकता है। जबकि कोई लोग कैल्शियम कार्बाइड की यूज करते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड है वो तो एकदम हानिकारक चीज होती है। पके हुए आम प्रसंस्करण के लिए तैयार होते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में इन आमों को धोया जाता है। साफ स्वच्छ आमों को प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी दौरान खराब आम को अलग किया जाता है।
धुले हुए आमों से गुठली अलग की जाती है। खाली डिब्बों का निर्जंतुकीकरण किया जाता है। निर्जंतुकरण किए हुए डिब्बों में गूदा अथवा आमरस भरा जाता है। भरे हुए डिब्बों का पैकिंग किया जाता है। पैकिंग किए हुए डिब्बों पर रिटॉर्टेशन प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में डिब्बों को उबलते पानी में 30 मिनट तक रखा जाता है। इस पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीस मिनट के बाद डिब्बों को ठंडे पानी में रखा जाता है। इस तरह से प्रसंस्करण प्रक्रिया पूरी होती है और आमरस पूरे साल भर के लिए ग्राहकों को उपलब्ध होता है। प्रोसेसिंग के बाद हमारा आम का छिलका और उसका जो स्टोन है वो एक बेस्ट के रूप में माना जाता है, जो कि आम का तकरीबन 45-50% है। तो इसको अगर हम ऐसे फेंक दें तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव यही है कि हम उससे कोई ना कोई नया पदार्थ बनाएं जो कि हमारे खाने के काम भी आए और पोल्यूशन को भी रोकें। तो इससे जैसे छिलका है, छिलके से हम पेक्टिन बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं। इस पेक्टिन को हम जैसे जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। फाइबर को हम जैसे हम अपने ड्रिंक बनाते हैं तो फाइबर रिच ड्रिंक बना सकते हैं। ड्रिंक में जैसे आरटीएस है, स्क्वैश है, तो आजकल फाइबर की बहुत डिमांड है, फाइबर रिच फूड की डिमांड है, तो वैसे हम पदार्थ बना सकते हैं। और जैसे जहाँ तक गुठली की बात है, गुठली में से हम स्टार्च निकाल सकते हैं। जो गुठली है स्टार्च का रिच सोर्स है और उसमें प्रोटीन्स भी है, इवन फैट्स भी हैं। तो फैट को भी जो एसेंशियल उसका ऑयल है उसको भी निकाल सकते हैं और उसका कॉस्मेटिक में यूज होता है। मेरे दादा परदादा भी करीब 200 साल पहले से आम की खेती कर रहे हैं। मैं करीब 50 साल से अपनी आम की खेती कर रहा हूं और 92 में मेरे पास ज्यादातर अल्फांसो का झाड़ थे। Thank you.
हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो आम की फसल लेते हैं, आम की प्रोसेसिंग करके ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ठीक ऐसे ही किसान हैं जिनका नाम है संजय भाई मगनलाल नायक जी, जो गुजरात के नवसारी जिले के गंडेवा गांव के रहने वाले हैं। संजय भाई को आम की खेती का बड़ा ही गहरा अनुभव है। मेरा नाम संजय नायक, एटेंट पोस्ट गणदेवा, डिस्ट्रिक्ट नवसारी, गुजरात स्टेट का मैं रहने वाला हूँ। मेरे दादा परदादा भी करीब 200 साल पहले से आम की खेती कर रहे हैं। मैं करीब 50 साल से अपनी आम की खेती कर रहा हूँ और 92 में मेरे पास ज़्यादातर अल्फांसो का झाड़ थे, तो अल्फांसो में क्या था कि ऑल्टरनेट बेरिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मेरे फादर